सिंध हाई कोर्ट ने कोरंगी में गैर कानूनी शादी हॉल्स को मसमार करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पीर को जस्टिस सैयद हसन अतहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कोरंगी में गैर कानूनी शादी हॉल्स मसमार न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। समाअत के मौके पर अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर अहकाम पर अमल दरामद न करने पर इजहार बरहमी किया। इस मौके पर जस्टिस सैयद हसन अतहर रिजवी का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है तो शादी हॉल्स मसमार क्यों नहीं किए जा रहे। दौरान समाअत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील ने अदालत को आगाह किया कि गैर कानूनी शादी हॉल्स के मालिकान को शोकाज दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद गैर कानूनी शादी हॉल मसमार करने का अमल शुरू हो जाएगा। समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि पहले जब केस चलता था तो कई अफसरान अदालत में मौजूद होते थे, ऐसा लगता था आज ही मशीनें लेकर चढ़ जाएंगे, एक्शन लेने से क्या अब डर लगता है। इस मौके पर वकील ने अदालत को बताया कि बंधन शादी हॉल मसमार कर दिया गया है। बाद में अदालत ने गैर कानूनी शादी हॉल मसमार करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।